आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। नामुंतखिबा बीसी तबकात के कॉरपोरेटर्स की तहनियती तकरीब को मुखातिब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज वक्त की ज़रूरत है कि तमाम बीसी तबकात बशमूल व बीसी तबकात जो मुसलमानों में हैं, हम सबको एक साथ जदोजहद करनी ज़रूरी है। इन्होंने बीसी तबकात को दावत दी कि हम सबको मुकाबले की सियासत के बजाय मिलकर सियासत करनी चाहिए। उन्होंने एदाद व शुमार के साथ बताया कि सरकारी मुलाजिमतों में बीसी तबकात के साथ की जा रही नाइंसाफी की निशानदेही की। इन्होंने सभी नौमुंतखब कॉरपोरेटर्स को मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम को गवर्नर हिमाचल प्रदेश बंडारू दत्तात्रेय, कुल हिंद बीसी संगम आर कृष्णैया वगैरह मौजूद थे। जनाब सत्यनारायण साहब को और कृष्णैया साहब को उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे आने की दावत दी। और यकीनन आप तमाम का यहां पर हमको मदऊ करना ये इस बात का पैगाम देता है, ना सिर्फ तेलंगाना में बल्कि पूरे मुल्क में, कि बैकवर्ड क्लास के साथ मुसलमानों में जो बैकवर्ड कास्ट हैं वो हम तमाम आपके साथ खड़े हैं। हमारे आपकी सियासी हमारा ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी पार्टी से हो सकता है, मगर जहां तक बैकवर्ड क्लास की जद्दोजहद, बैकवर्ड क्लास के ताल्लुक से समाजी इंसाफ की बात है, मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं, तयखून देता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो यहां पर अभी हमारे भाई सत्यनारायण साहब ने जिस बात का जिक्र किया, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ जद्दोजहद करेंगे। और मेरी भी जाती कोशिश यही है कि इस बात को हम तमाम को समझना है कि ये जो शक की सियासत से हमको निकलकर एक भरोसे की सियासत करने की जरूरत है। कंपटीशन की जगह हमको कोऑपरेशन की सियासत करने की जरूरत है। और एमआईएम पार्टी यही चाहती है कि शक की सियासत से मुड़कर एक एतमाद और भरोसे की सियासत करें, और कंपटीशन की जगह हम लोग कोऑपरेशन की जब पॉलिटिक्स करेंगे तो इससे यकीनन बैकवर्ड क्लास के, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के तमाम तबकों को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। और मैं एक जिम्मेदार के तौर पर आपसे ये कहना हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं के पार्लियामेंट में, राज्यसभा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फिगर दिया है कि मौजूदा 457 कितने सेक्रेटरीज और एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरीज और एडिशनल सेक्रेटरी हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है जिसमें यह बताया गया कि सिर्फ 20 शेड्यूल कास्ट के ज्वाइंट सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी हैं, 17 शेड्यूल ट्राइब के हैं और 19 ओबीसी के हैं। आप खुद सोचिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। यकीनन जिम्मेदारी हम तमाम की आज होती है और इसलिए इस नाइंसाफी को खत्म करना बेहद जरूरी है। वहीं पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप जानते हैं कि 313 प्रोफेसर के पोस्ट में खाली आपके 9 ओबीसी प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट हुआ। और ये पूरा हमारे मुल्क में जो रिजर्वेशन की जो बहस होती है, मैं जब कभी टीवी पर या अखबारात में कि जो आला तबके के लोग ये रिजर्वेशन की बहस को इस तरह से पेश करते हैं कि अगर वो कभी डिबेट करेंगे हमारे सामने तो 2 मिनट भी नहीं बैठ सकेंगे।